बटर चिकन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसे हम बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। अगर उसी चिकन को घर पर बना लिया जाए और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो घर पर बनाया हुआ खाना बाहर के खाने से बेहतर होता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना घर पर ही बनाएं और हेल्दी रहे हमारा खाना और टेस्टी भी रहे। तो घर पर ही बाहर जैसा बटर चिकन हम कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें एक चिकन चाहिए जिसे हमने पहले से अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके रख लिया था। तो ये 1 kg चिकन है। अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम हंकड़ जिसे हमने मलमल के कपड़े में बांधकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर। अब इसमें 1/2 lemon को स्क्वीज़ कर देंगे। तो बीज इसमें से हमने पहले से निकाल लिए हैं और इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे 50 ग्राम मेल्टेड बटर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा इसलिए हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप कम से कम इसे 1 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे कितने भी घंटे के लिए रख सकते हैं, यानी कि आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो इस तरह से इसे कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे। और अब मैं 3 घंटे के बाद इसे यूज़ कर रही हूँ। तो 3 घंटे के बाद एक बार इसे फिर से मिला लेंगे। आप देख सकते हो कि मैरिनेशन हमारा पहले से काफ़ी थिक हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक पैन गरम कर लिया, उसमें 1 teaspoon ऑयल डाला है और 20 ग्राम के करीब बटर डाला है। तो ऑयल हमने इसलिए डाला ताकि हमारा बटर जले नहीं, क्योंकि बटर बहुत जल्दी से जल जाता है, क्योंकि इसे हम पूरा बटर में ही बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमने तेल का यूज़ भी किया है यहाँ पर। और सबसे पहले हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। तो सारे ही पीसेस को हम इस तरह से इसमें रख देंगे और हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे ताकि इसमें अच्छे से मार्क्स भी आ जाएं। तो जब तक ये कुक हो रहा है तो 1/2 cup मलाई ली है और 1/2 cup दही ली है, तो इसे हमें ग्राइंड करना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो इस तरह से सारे पीसेस को हम पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर मार्क्स भी अच्छे से आ चुके हैं। दूसरी साइड से भी हम इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि ये गल नहीं जाता है। तो बीच बीच में इसको पलटते भी रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें चारकोल का फ्लेवर भी देंगे। तो एक कटोरी रखी है मैंने और चारकोल को पहले से हमने गर्म करके रखा था। अब इसमें तेल या फिर घी डाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसके ढक्कन को कवर करके रख देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि चिकन में चारकोल का फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाए। और इसे एक बार हम फिर से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 teaspoon भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। तो इसे डालकर भी हम थोड़ा सा ही पकाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा अब इसे नहीं पकाना है। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से गल भी चुका है, देखिए। अब इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जो दही अभी हमने ग्राइंड की थी, दही और मलाई, उसे यहाँ पर ऐड करना है। अगर गैस को जलते रहने दिया हमने तो ये दही और मलाई यहाँ पर फट जाएगी। तो इसे बिल्कुल भी हमें पकाना नहीं है, गैस हमने बंद कर दिया है पहले से। और अब इसमें डाल देंगे मेल्टेड बटर। तो इस तरह से हमारा ये बटर चिकन बनकर तैयार हो गया है। तो ये पुरानी दिल्ली का बटर चिकन हमने बनाया है, जिस तरह से पुरानी दिल्ली में बनाया जाता है। असलम बटर चिकन के नाम से ये मशहूर भी है काफ़ी। तो इसे हम घर पर ही बना सकते हैं, उसके लिए हमें पुरानी दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला, इसको गार्निश करेंगे। तो इस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल में आप बटर चिकन घर पर बना सकते हो। आपको इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी है आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप अगर इसे नान या फिर चपाती के साथ खाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।